अभी तक आया क्यों नहीं? फोन भी नहीं उठा रहा। कहीं उस बात को लेकर नहीं, अक्षत ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तो पूरा यकीन है कि अक्षत जरूर आएगा। माय लॉर्ड, मुझे लगता है डिफेंस लॉयर अब नहीं आएंगे। वैसे भी माय लॉर्ड, उनके पास कोर्ट में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए माय लॉर्ड, मैं आपको गुजारिश करूंगा कि डिफेंस लॉयर की इस हरकत को गैर जिम्मेदाराना मानते हुए कोर्ट अपनी कार्रवाई शुरू करे और आप अपना फैसला जल्द से जल्द। नहीं जलसा, मुझे पूरा यकीन है कि अक्षत जरूर आएगा। प्लीज जलसा, अक्षत के आने तक कोई फैसला न सुना। केस की नजाकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए यह अदालत बिना डिफेंस लॉयर की दलीलों के कोई फैसला नहीं सुना सकती। लिहाजा आपके वकील को आधे घंटे की मदद दी जाती है। अगर वो इस बीच अदालत में नहीं पहुंचते हैं तो इस अदालत को अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। Court is adjourned for half an hour. वो नहीं आएगा भी तो किस मुंह से? उसके पास ना तो कोई सबूत है कुछ साबित करने के लिए, तो केस कैसे? मुझे पूरा यकीन है आरजी कि अक्षत से भाई यकीन हो तो ऐसे ऐसा तो नहीं कि ये सब उसने। डोंट वरी मैम, मुझे नहीं लगता कि अक्षत अब आएगा। गुड, हमारे लिए अच्छा है। सासू मां, ये जो आप कर रही है ना, अच्छा नहीं कर रही। क्या कर रही हूँ मैं? आप जानती है कि आप एक केस हार जाएंगी, इसलिए आपने अक्षत को कोर्ट में आने से रोक दिया। क्या कर रहा है अक्षत के साथ? किडनैप, मर्डर। तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, मैं झूठ कभी नहीं बोलती हूँ और मुझे ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सारे सबूत हैं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तुम लोग तारीख बढ़ाने के लिए ये चाल चल रहे हो ताकि हमेशा के लिए तुम्हारा बिग डी जेल जाने से बच जाए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आज इस केस का फैसला
होकर ही रहेगा। सूजन हो जिसने मुझे कशिश की खातिर छोड़ दिया। मैं कौन पहचान नहीं आ रही, लेकिन सच कहूं मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर तुम पर जरा भी तरस नहीं आ। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है सूजन। आगे आगे तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। अभी तो तुम जेल में सड़ोगे और हर पल अपनी उस हालत के लिए तुम मुझे याद करोगे, लेकिन मुझे तब भी तुम पर तरस नहीं आएगा। और आना भी क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे तरस आ ही कैसे सकता है उस आदमी पर जिसने मुझे छोड़ दिया, वो भी मुझसे मंगनी करने के बाद। तुमने मेरा प्यार ऐसी औरत के लिए जिसने सिर्फ और सिर्फ तुमसे नफरत की। मैं तुम्हें तुम्हारी उन सारी गलतियों का एहसास दिलाऊंगी जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। समझे ना? अब तुम पछताओगे, क्योंकि तुम शायद मेरे नहीं उसी के लायक हो। जिंदगी में जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, जो तुमसे हो सकता है वो तुम करो। ऑल द बेस्ट। देखो इसे छोड़ तो, वरना वरना क्या? क्या वरना? वरना क्या? पॉसिबल नहीं, हमारे पास इतना वक्त है कि हम इस केस को समझ पाए, और ना ही हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ है जो ये साबित कर दे कि सुजल इनोसेंट है। मिस्टर गरेवाल, ये केस जितना तो दूर, इसे लड़ना भी बहुत ही डिफिकल्ट। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। प्लीज जी, अक्षत अभी आता ही होगा।
मिस्टर चंदन, आज ना तो तारीख बढ़ेगी और ना तो फैसला चलेगा, और इसके लिए आपको जो कुछ करना है कर लीजिए। अगर जज से बात करनी हो तो कर लीजिए, लेकिन ये आज होगा। ये केस वापस ले लीजिए। सुजन ने कुछ भी नहीं किया, वो बेकसूर है। प्लीज मम्मा के खिलाफ ये केस वापस ले लीजिए। क्या कहा? मैं ये केस वापस ले लूं? जी, मैं जो चाहती थी उसकी घड़ी इतनी नजदीक आ गई है और तुम कह रही हो कि मैं केस वापस ले लूं? हरगिज नहीं। अब तो आधा घंटा भी बीत चुका है और सुजन की आजाद जिंदगी भी बीत चुकी है। अब उसकी जिंदगी की बचे हुए पल वो जेल में बिताए, बस थोड़ी ही देर में। सुना तुमने, वक्त इतनी जल्दी बीत रहा है ना? डिफेंस लॉयर कोर्ट में आ चुके हैं। नो माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि डिफेंस लॉयर को कोर्ट के समय की परवाह नहीं है या सबूत न होने की वजह से वो कोर्ट नहीं आ रहे। वैसे भी माय लॉर्ड, आपका दिया वादा घंटा समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं आपको गुजारिश करूंगा माय लॉर्ड कि आप अपना फैसला जल्द से जल्द। पिछली सुनवाई और अदालत में पेश किए गए सबूतों, गवाहों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि सुजल गिरेवाल भी एक मिनट अच्छा अदालत में देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। फिलहाल मैं सारे सबूतों के साथ अदालत पहुंच ही रहा था, मगर कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि मैं उन सबूतों के साथ अदालत पहुंचू। पहले सारे सबूत मेरे घर से चोरी हो गए और जब मैं उन सबूतों की डुप्लीकेट कॉपी लेकर अदालत पहुंच रहा था, किसी ने मुझे किडनैप कर लिया। मालौट, एक बात पर ध्यान दिया जाए कि मेरे काबिल दोस्त अब तक अपने मुवक्किल की सफाई में एक भी दलील नहीं पेश कर सके, बल्कि इन्होंने तो सबकी सुन मिस आसिफ हन्ना की तरफ मोड़ दी। और मालौट, आज ये इस बात को भी साबित नहीं कर पा रहे। मालौट, ये कोर्ट को गुमराह कर रास्ता चलने की कोशिश है और कुछ नहीं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस कोर्ट का कीमती समय बचाते हुए आप अपना फैसला जल्द से जल्द। वैसे भी माय लॉर्ड, मैं ये पिछली तारीख में साबित कर चुका हूं कि सुजल ग्रेवाल एक्सीडेंट साइट पर मौजूद था और कशिश को पाने के लिए इसके पास मर्डर का मोटिव था, और वो तमाम सबूत माय लॉर्ड जो इसके फार्म हाउस से बरामद हुए। माय लॉर्ड, ये साफ जाहिर होता है कि सुजल ही मिस्टर पीयूष का कातिल है। That's all yours. My lord, मेरे काबिल दोस्त को ऐसा लगता है कि मैं कोई मजबूरी के किस्से सुना रहा हूं। नहीं my lord, मैं सिर्फ सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं
कि मिस आर्ची खन्ना को कटघरे में बुलाया जाए। आर्ची खन्ना को विस्तृत बात में बुलाया जाए। उस दिन आपने अदालत को यह बताया था कि पीयूष रहेजा के एक्सीडेंट के एक दिन पहले आप स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होंगे। राइट रॉन्ग मिस आर्ची, आप स्विट्जरलैंड गई नहीं क्योंकि उस दिन स्विट्जरलैंड जाने वाली फ्लाइट पर आपकी सीट खाली थी। बताइए मिस आर्ची खन्ना, उस दिन आप कहां गए बताइए। कोर्ट के मेन गेट पे मिलो, तुम्हारे फायदे की बात है, नहीं आऊंगी तो पछताओगी। आपने ये भी कहा था क्या आपने होटल वुडलैंड से चेकआउट किया था? आप किस बात से सहमत हैं? आपने होटल वुडलैंड से चेकआउट किया था, लेकिन आपने अदालत को यह नहीं बताया कि होटल वुडलैंड से चेकआउट करने के बाद आपने इमीडिएटली आसपास के किसी होटल में चेक इन भी किया। बोलिए साक्षी खन्ना, आपने अदालत से झूठ क्यों बोला? बोलिए साक्षी खन्ना, आपने अदालत से झूठ क्यों बोला? सच साहब, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, सच बात तो सच तो यह है साक्षी खन्ना कि पीयूष रहेजा का कत्ल तुमने किया है और ये बात मैं बहुत जल्द अदालत में साबित कर दूंगा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।